आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने केवल अपना विकास किया है, उन्होंने केवल अडानी अंबानी का विकास किया है। इन्होंने अनेक वादा किया था, पहला वादा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे पर यार, क्या किसी को नौकरी मिली? इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? इन्होंने कहा था 15 लाख खाता में आएगा, क्या 15 लाख खाता में आया? इन्होंने कहा था नोटबंदी से क्या आएगा? काला धन आएगा, क्या काला धन आया? और अब चुनाव आ गया है तो एक नए नारे के साथ आए, वो नारा है 400 पार। मैं कहती हूँ 400 पार नहीं, 400 हार होगा इनका, क्योंकि ये संविधान हटाने वाले हैं और हम संविधान बचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि उनका देश विदेश में नाम डंका बज रहा है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। मैं क्या कि मेरी जनता इनको जवाब देंगी, 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी 14 में चाय बेचा करते थे, मैंने उनको चाय बेचते तो नहीं देखा, मैंने उनको BSNL बेचते देखा है, रेलवे बेचते देखा है, LIC बेचते देखा है, रेल भेल सब बेच दे रहे हैं, लेकिन उससे प्रश्न कोई नहीं करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? उनका पर्दाफाश हो गया है और बीजेपी वालों का नारा है चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ED CBI का फंडा लो। मछली शाह लोकसभा में कुल 12 प्रत्याशी खड़े हैं, उन 12 प्रत्याशियों में से केवल आपकी बेटी और बहन पे बीजेपी वालों ने मुकदमा दर्ज किया है। मैं कहती हूँ 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए, मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, अपना केस मैं खुद ही लड़ लूंगी। इस देश में न हिंदू खतरे में है, इस देश में न मुसलमान खतरे में है, धर्म का चश्मा हटाई आज हमारा संविधान खतरे में है। मैं आपको यही कहूंगी, यहाँ पे किसी को किसी से दिक्कत नहीं, नफरत नहीं है, इस देश को खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, मैं यही कहूंगी ऐसे कैसे संविधान बदल जाएगा? संविधान का देन मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, संविधान का देने क्या वोट दे सकते, नेता चुन सकते हैं? संविधान का देने की सम्मानित का अधिकार है और संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं यही कहूंगी इस देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव न PM बनाने का चुनाव है, ये चुनाव न MP बनाने का चुनाव, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इस देश में महंगाई बढ़ गई है, किसान लोग धरना दे रहे हैं, ये सरकार आवाज नहीं सुनती उनकी। मैं यही कहूंगी आपको 25 तारीख को साइकिल का बटन ऐसा दबाइए साइकिल यहां से दिल्ली पहुंच जाए। तो गांव वाले सब कहते हैं कि बीजेपी वाले आए रहना, हम कहते क्या कहते रहना, तो कहते खाली मोदी जी के देख के वोट दा। क्यों मोदी जी को देख के वोट दे? क्या मोदी जी क्या विकास करेंगे? मैं कहती हूँ नेता देखिए, नेता विकास करते, नेता को देख के वोट करिए, मोदी जी का चेहरा देख के वोट मत करिए। इस समय हमारे किसान भाई इस देश में धरना दे रहे थे जब, ये कुछ नहीं बोलते हैं। मैं यही कहूंगी ये बीजेपी वाले डर गए हैं और इनको डर का डर लग रहा है इनको। मैं यही कहूंगी इनके नेता खटाखट खटाखट यहाँ आ रहे मछली शहर में। मैं आपसे यही कहूंगी 25 तारीख को साइकिल का बटन दबना चाहिए, दबना चाहिए कि नहीं दबना चाहिए? और तेज साइकिल का बटन दबना चाहिए कि नहीं दबना चाहिए? और साइकिल यहां से दिल्ली पहुंचाना है। जय भीम, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन।